दोस्तों एक कहावत बहुत मशहूर है, अगर बुरी आदत को समय पर ना बदला जाए तो बुरी आदत आपका समय बदल देती है। मैं हूं आकाश, आपके दिल की आवाज, और आज एक कहानी मेरी जुबानी। एक अमीर आदमी अपने बेटे की किसी बुरी आदत से बहुत परेशान था। वो जब भी बेटे से उस आदत को छोड़ने को कहता तो बच्चा सामने से जवाब देता था, पापा अभी मैं बहुत छोटा हूँ, छोड़ दूंगा धीरे धीरे ये आदत है। उन्हीं दिनों एक महात्मा गांव में पधारे हुए थे। जब आदमी को उनकी ख्याति के बारे में पता चला तो वे तुरंत उनके पास पहुंचा और अपनी समस्या, अपने बेटे की आदतों के बारे में उनको वंचित किया। तभी स्वामी बोले, ठीक है, आप अपने बेटे को कल सुबह बागीचे में लेकर आइए, वहीं मैं आपको उपाय बताऊंगा। अगली सुबह वो पिता अपने बच्चे के साथ बागीचे में पहुंचा। महात्मा जी बच्चे से बोले, आइए हम दोनों बागीचे की सैर करते हैं। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। चलते चलते ही महात्मा जी अचानक रुके और बच्चे से कहा, क्या तुम इस छोटे से पौधे को तोड़ सकते हो, उखाड़ पाओगे? बच्चा बोला, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं झट से कर सकता हूँ। बच्चे ने बड़ी आसानी से उस पौधे को उखाड़ दिया। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़े और महात्मा जी ने एक थोड़े से बड़े पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम इसे भी उखाड़ सकते हो? बच्चे को तो मानो बहुत ही मजा आ रहा था, थोड़ी मेहनत लगी लेकिन उस बच्चे ने उस पौधे को भी उखाड़ दिया। फिर क्या, वो दोनों थोड़ा फिर आगे बढ़े और अब की बार महात्मा जी ने एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए उस बच्चे को उखाड़ने को कहा। बच्चे ने पेड़ का तना पकड़ा और उसे जोर जोर से खींचने लगा, पर पेड़ तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत कोशिशों के बाद जब पेड़ टस से मस नहीं हुआ तो बच्चे ने बोला, ये तो बहुत मजबूत है, इसे उखाड़ना संभव ही नहीं है। तभी महात्मा जी ने उस प्यार से बच्चे को समझाया, बेटा ठीक इसी तरह हमारी आदतें होती हैं, अगर उनको आसानी से शुरू में ही रोक लिया जाए तो उनका बदलना संभव है, लेकिन धीरे धीरे इनकी जड़ें फैलती चली जाती हैं और ये आदत छोड़ना और मुश्किल होता चला जाता है। तो दोस्तों उसी दिन से उस बच्चे ने जब बदलने की शुरुआत की तो आप क्यों नहीं कर सकते। कहानी अच्छी लगी हो तो औरों तक भी पहुंचाएं और खुद को अभी से एक नई राह दिखाएं। जय जिनेन्द्र। आदिनाथ टीवी, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा।